हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल आज का विषय है बंसन बर्नर सो so, तो चलिए शुरू करते हैं बंसन बर्नर सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे बंसन बर्नर इज़ यूज टू हीट अप केमिकल्स इन अ सेफ मैनर यानी बंसन बर्नर का यूज़ जो है केमिकल्स को हीट करने के लिए सेफली सेफली तरीके से हीट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है द डिवाइस सेफली बर्नस कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ अ फ्लेमेबल गैस ज़ नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम सच एज़ प्रोपेन ब्यूटेन और मिक्सचर ऑफ बोथ ये जो बंसन बर्नर ये क्या करता है कि कंटिन्यूसली जो स्ट्रीम आ रहा है फ्लेम गैस का जैसे कोई भी पेट्रोलियम जैसे प्रोपेन या ब्यूटेन हो गया या कोई भी नेचुरल गैस हो गया उसको कंटीन्यूसली बर्न करता है ये अब जानेंगे पार्ट्स ऑफ अ बंसन बर्नर बंसन बर्नर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं सबसे टॉप पे आपको दिखेगा द फ्लेम जो वाइट कलर का जो बना हुआ है वो है फ्लेम ठीक है उसके जो नीचे में सिलेंडर का शेप में है ये रेज द हाइट ऑफ द फ्लेम फॉर ईज़ ऑफ़ यूज़ इसे आप उसका जो फ्लेम है उसका हाइट रेज कर सकते हो जैसे उसको आप नीचे करोगे तो जो फ्लेम है उसका हाइट थोड़ा बढ़ जाएगा जो उसके नीचे में जो दिया हुआ है आपको छोटा सा होल टाइप से एक दिख रहा होगा वो अलाउ एयर टू द बर्न उसमें उस उस होल के थ्रू एयर पास होता है विदाउट एयर बर्न नहीं होगी वो ओके उसके जस्ट अपोजिट साइड में टर्न टू ओपन क्लोज द होल बॉटम टू रिक्वायर फ्रेम टाइप आपको किस तरह का फ्रेम चाहिए उस हिसाब से आप उसको कैप को बंद कर सकते जो होल हो है वो बंद भी हो सकता है उसको आप रोटेट करो तो बंद हो जाएगा जो अलग से जो एक पार्ट दिया रेड कलर का टू कैरी द गैस फ्रॉम द गैस टॉप तो गैस तो स्टॉप तो से गैस को लाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है और नीचे जो एक सर्कुलर जो आपको बेस दिख रहा है वाइड एंड हैवी सो दैट द बर्नर इज लेस लाइकली टू टॉपल तो ये इसलिए रखा जाता है वाइड एंड हैवी इसलिए रहता है क्योंकि आपका बर्नर गिरे ना तो आई होप आपको टर्म समझ में आया होगा मिलता है नए टर्म में नए वीडियो में नए टर्म के साथ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो